हाय फ्रेंड्स, इट्स माय चैनल K.E.C इंडिया में आपका स्वागत है। मैं केशव शर्मा आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज देने आया हूं। सो वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स। इट्स माय फर्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं रेसिस्टेंस के बारे में विद प्रैक्टिकल। ओके, तो दोस्तों हम सबसे पहले समझेंगे कि रेसिस्टेंस होता क्या है। दोस्तों रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, जो कि किसी भी फ्लो के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट हो या एनीथिंग कुछ भी। तो दोस्तों मैं अब आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स रेसिस्टेंस को दिखाने वाला हूं जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज किए जाते हैं। ओके, तो दोस्तों अभी तक आपने जाना कि रेसिस्टेंस का वर्क क्या होता है। अब आपके सामने दिखाए जा रहे हैं ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स में यूज किए जाने वाले रेसिस्टेंस। अब आप दोस्तों बोलेंगे कि ये इतने सारे रेसिस्टेंस हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, लेकिन इनका वर्क हम कैसे जानेंगे? तो दोस्तों इनका वर्क होता है अकॉर्डिंग टू सर्किट्स। जैसे आपका लोड होगा उस हिसाब का रेसिस्टेंस लगाया जाएगा वहां पर। तो उसी टाइप से मैं अभी आपको कुछ रेसिस्टेंस को दिखाने वाला हूँ और इनमें ये भी बताऊंगा कि इनको आप कैसे निकालेंगे, इनका वैल्यू क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे ये देखिए, ये आपका वायर वाउंड रेसिस्टेंस है, इसका वैल्यू इसके ऊपर लिखा होता है। लेकिन समथिंग टाइप्स रेसिस्टेंस कलर कोड के द्वारा दिखाए जाते हैं, वो देखिए, ये इसमें कलर कोड होता है इस टाइप का जो कि आपके सामने दिखाए जा रहे हैं। ओके, तो दोस्तों ये आपके सामने दिखाया जा रहा है कलर कोड ओके रेसिस्टेंस का। अब इसके द्वारा, इस कलर चार्ट के द्वारा हम किसी भी रेसिस्टेंस का कलर कोड निकालेंगे। तो देखिए मैं एक रेसिस्टेंस लेता हूं अब जिसका कलर कोड मुझे निकालना है। ये देखिए दोस्तों, इस रेसिस्टेंस पर जो कलर्स हैं, ब्राउन, ब्लैक, रेड, गोल्ड, ओके, ये देख लीजिए दोस्तों। तो अब मैंने इसके कलर्स को लिख दिया है। मैं इस टाइप से इसके नंबर्स को रखता जाऊंगा कलर कोड निकालने के लिए इस रेसिस्टेंस का। तो ब्राउन पर हमारा क्या है, नंबर 1, मैंने 1 को लिख दिया है। ब्लैक पर क्या है हमारा, 0, ये देखिए 0, मैंने 0 को लिख दिया है। रेड पर हमारा क्या है, 2, तो इसका मतलब है ये होता है हमारा थर्ड नंबर का मल्टीप्लायर। तो इसका मतलब होता है अगर 2 है तो इसके आगे 20 होगा, 00, ओके। ये हमारा निकल आया कलर कोड रेसिस्टेंस का। और जो लास्ट वाला, फोर्थ वाला जो होता है कलर, वो होता है टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, कि ये जो रेसिस्टेंस है ये वाला, ये अपने इस 1000 यानी निर्धारित मान से कितना ऊपर और कितना नीचे जा सकता है। जैसे कि ये हमारा रेसिस्टेंस गोल्ड का जो हमारा टॉलरेंस होता है वो होता है ±5%, यानी 5% ये अपने 1000 से ऊपर या नीचे जा सकता है। अंडरस्टैंड? जिससे दोस्तों अब हम इस रेसिस्टेंस को लिख सकते हैं 1×10³, यानी कि 1 kΩ, ओके, 1 kΩ ±5%, ये मैंने इसका कलर कोड निकाल लिया है। ओके, तो दोस्तों इस रेसिस्टेंस का कलर कोड है 1 kΩ ±5%, ओके, 1 kΩ का ये रेसिस्टेंस है। अब मैं आपको इसका यूज करना सिखाता हूं, कैसे हम इसे देखेंगे कि ये मतलब काम कैसे करता है। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा 1 kΩ का रेसिस्टेंस जिसका अभी हमने कलर कोड निकाला था नीचे। ओके, ये हम एक एलईडी लेते हैं जिससे हम ये देखेंगे कि रेसिस्टेंस वर्क कैसे करता है। ये आ गया हमारा सप्लाई 3.7 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम
एलईडी को बिना रेसिस्टेंस के सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। ओके, एलईडी का जो बड़ा टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है और जो छोटा टर्मिनल है वो नेगेटिव है। ओके, तो देख लीजिए आप मैं कैसे सप्लाई से कनेक्ट करता हूं। ये देखिए एलईडी काफी तेज जल रही है विदाउट रेसिस्टेंस। तो देखिए दोस्तों, अब मैं इस एलईडी को रेसिस्टेंस के थ्रू ऑन करूंगा, सर्किट से जोड़ूंगा। ओके, रेसिस्टेंस को हम कैसे भी एलईडी से कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं होता कि इधर साइड से लगाना है या उधर साइड से लगाना है। इसका नाम होता है ना प्रतिरोध, तो प्रतिरोध ही लगाएगा, किधर से भी आप लगा लीजिए। ओके, देख लीजिए मैं कनेक्ट करता हूं। अब मैं इसे सप्लाई से कनेक्ट करता हूं। ये रहा 3.7 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई, इस पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए यहां पर। देखिए दोस्तों, एक रेसिस्टेंस के थ्रू हमारी एलईडी कितना कम जल रही है, क्योंकि ये रेसिस्टेंस इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है। ये 1K का रेसिस्टेंस, जो भी हमने इसका कलर कोड निकाला था 1K, ये इस बैटरी से जो एलईडी के लिए सप्लाई जा रही है, करंट जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है, जिससे हमारी एलईडी बहुत स्लो जल रही है, बहुत ही कम। ओके, ये है आपका रेसिस्टेंस का टेस्ट। ये देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने दो रेसिस्टेंस को सीरीज में लगा के तब एलईडी को सप्लाई दी है बैटरी से। ओके, इस तरह से हमारा रेसिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन होता है। आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन आपने तो अभी तक बुक्स से पढ़ा है, यहां पर देख लीजिए प्रैक्टिकली कैसे सीरीज कनेक्शन होता है रेसिस्टेंस का। ओके, इस तरह से अब हमारी एलईडी और कम जल रही है। क्योंकि दोस्तों, अभी आपने रेसिस्टेंस की टेस्टिंग को सीखा कि किस तरह से ये विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। अब मैं ये दिखाने वाला हूं आपको कि किस तरह से आप पता करेंगे कि कोई रेसिस्टेंस ठीक है या खराब है। ओके, ये देखिए मैं फ्लो पिन लेता हूं, यहां से मैं एक रेसिस्टेंस को उठाता हूं। अगर ये रेसिस्टेंस ठीक होगा, मतलब विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना तो इसका काम है, लेकिन अगर ये बिल्कुल ठीक होगा तो ये करंट का फ्लो करेगा थोड़ा बहुत। ये देखिए यहां पर फ्लो पिन में लाइट जल रही है, तो ये रेसिस्टेंस ठीक है। ओके, हाँ, अब एक खराब रेसिस्टेंस को मैं लेता हूं, जिससे आप ये समझे कि हाँ ये सही है या खराब है। ओके, ये देखिए फ्लो पिन में कोई ग्लोइंग नहीं हो रही है, इसका मतलब रेसिस्टेंस सही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों मैं अब आपको बताने वाला हूं कि किसी भी रेसिस्टेंस का आकार देखकर आप उससे क्या समझ सकते हैं। ओके, तो मैं यहां पर एक रेसिस्टेंस को लेता हूं, ये देखिए दोस्तों, इस आकार का रेसिस्टेंस 1 वाट का रेसिस्टेंस बोला जाता है। ओके, ये देखिए इस आकार का रेसिस्टेंस 0.5 वाट का रेसिस्टेंस बोला जाता है। ओके, वाट से मतलब है इनकी पावर, पावर जो होती है किस पावर पर लगाने हैं वो सब वाट से होता है। ओके, ये देखिए इस आकार का रेसिस्टेंस 0.25 वाट रेसिस्टेंस बोला जाता है, यानी कि 1/4 वाट। ओके दोस्तों, मैंने अभी आपको रेसिस्टेंस के बारे में बताया, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए, और जिन लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आप मेरी न्यू कंपोनेंट टेस्टिंग वीडियो लेटेस्ट सबसे पहले देख सकें। दोस्तों आप मुझसे जुड़े रहिए, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की टेस्टिंग वीडियोज लाता ही रहूंगा, मैं हर कंपोनेंट्स के बारे में प्रैक्टिकली